बात करें तो गांधीनगर में एक कार्यक्रम चाली रो छे, डेरी एसोसिएशन में अमित शाह हाल संबोधित कर रहा है। अगर ध्यान से देखें तो सारे पहलुओं को हमारी डेरी सेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से देश के विकास के साथ जोड़ने के लिए काम किया है, और इसमें मैं सहकारिता मंत्री के नाते गर्व के साथ कह सकता हूं कि इसमें हमारी कोऑपरेटिव डेयरियों का योगदान बहुत बड़ा है, जिन्होंने किसानों की समृद्धि के लिए काम किया है। कोऑपरेटिव डेयरी ने देश की गरीब कृषक महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का एक यशस्वी रास्ता प्रशस्त किया है, और आज मैं इतना कह सकता हूं कि आजादी के 75 वर्ष में मोदी जी ने सहकार से समृद्धि मंत्र को सिद्ध करने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाने का काम किया है, और मुझे देश का पहला सहकारिता मंत्री बनने का गौरव दिया है। मैं इसलिए डेयरी क्षेत्र से जुड़े लाखों करोड़ों किसानों की ओर से, और विशेषकर हमारी मातृशक्ति जो बहनें हैं उनकी ओर से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहता हूं। मित्रों, इंडियन डेयरी एसोसिएशन की स्थापना 1948 में आजादी के तुरंत बाद हुई, और आज हम 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन के कगार पर खड़े हैं। डेयरी क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें आईडीए का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे सामने इस डेयरी सम्मेलन में, डेयरी उद्योग सम्मेलन में 3 कैटेगरी रखी गई हैं। किसानों के लिए कुछ डेडिकेटेड सेशंस रखे हैं, टेक्निकल सेशंस रखे हैं, इंडस्ट्री के सेशन रखे हैं, और कुल मिलाकर भारत के डेयरी क्षेत्र को विश्व में सबसे मजबूत डेयरी क्षेत्र बनाने के लिए सर्वांगीण चर्चा करने का यहाँ पर एक प्रयास हुआ है। मैं श्री सोढ़ी को ये सफल आयोजन के लिए मन से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, हमारे डेयरी क्षेत्र का, पशुपालन क्षेत्र का हमारे इतने विशाल जीडीपी में 4.5% योगदान है, और कृषि जीडीपी में डेयरी क्षेत्र का योगदान 24%। विश्व में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में अगर डेयरी क्षेत्र का योगदान कहीं पर भी है जीडीपी का, तो भारत में है, और वो 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा योगदान हमारे डेयरी क्षेत्र का है। इस प्रकार से डेयरी हमारे अर्थव्यवस्था का एक मजबूत हिस्सा बनी है, और रोजगारी के सृजन की जो मैंने बात करी उसको आंकड़े में बताए तो 9 करोड़ ग्रामीण परिवार आज सीधे डेयरी के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, अपनी आजीविका इससे प्राप्त करते हैं। दुनिया में किसी को एक कल्पना नहीं होती, दुनिया के कई देशों की आबादी भी 9 करोड़ नहीं है, और 9 करोड़ परिवार का मतलब होता है 45 करोड़ लोग इस व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, और विशेष कर सीमांत किसान जिनके पास बहुत कम जमीन है या तो भूमि ही नहीं है, और मातृशक्ति महिलाएं, ये दोनों के लिए ये डेयरी सेक्टर एक आशीर्वाद रूप बना हुआ सेक्टर है। पिछले एक दशक में 6.6% की वार्षिक वृद्धि दर से हमारे डेयरी सेक्टर ने वृद्धि की है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय बनाया है, हम एनडीडीबी को साथ में लेकर सहकारिता मंत्रालय और हमारा पशुपालन विभाग भारत सरकार का रूपाला जी के नेतृत्व में इस देश में 2 लाख पंचायतों में ग्रामीण डेयरी की स्थापना करेगा,
तब ये वृद्धि दर 6.6% से बढ़कर 13.80% तक पहुंचेगा, तब हमारे डेयरी सेक्टर में काफी पीक देखने को मिलेगा। हमारी दूध प्रोसेसिंग की क्षमता लगभग 126 मिलियन लीटर प्रतिदिन है और दुनिया के कुल सभी देशों में सबसे ज्यादा दूध अगर कोई देश प्रोसेस करता है तो भारत करता है। हमारा जो दूध उत्पादन होता है इसका 22% हम प्रोसेस करते हैं और ये सभी हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट और डेयरी क्षेत्र को समर्पित है, क्योंकि जितना दूध प्रोसेस होकर मार्केट में जाता है, विश्व के बाजारों में जाता है, इतनी ही किसान की आय बढ़ती है। और मित्रों, डेयरी उत्पादकों के निर्यात में भी मिल्क पाउडर, मक्खन और घी जैसे उत्पाद में महत्वपूर्ण निर्णायक ये डेयरी सेक्टर बना है और लगभग बहुत बड़ी इसमें अपार संभावनाएं मैं देख रहा हूं। हमने एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी निर्यात के लिए बनाई है, उसको और ये 1.5 लाख 2 लाख डेयरी के यूनियनों को जिस दिन इसका जुड़ाव समाप्त होगा, हमारा निर्यात कम से कम 5 गुना होने की संभावना है। मित्रों, आज गिर, साहीवाल और लाल सिंधी जैसी हमारी नस्ल दुनिया में प्रसिद्ध हुई है और ये नस्ल सुधार का काम भी डेयरी सेक्टर ही अभिभावक बनकर कर रहा है। विश्व के डेयरी के परिदृश्य को देखें तो 1970 में भारत एक दूध की कमी वाला देश था, 22 मिलियन मैट्रिक टन दूध का उत्पादन था, करीब 6 करोड़ लीटर प्रतिदिन, और आज 2022 का आंकड़ा ले तो 6 करोड़ लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 58 करोड़ लीटर तक पहुंचने का काम ये डेयरी सेक्टर ने किया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये 70 से लेकर 22 में भारत की जनसंख्या में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है, हमारा दूध उत्पादन 4 गुना आबादी बढ़ी है और दूध उत्पादन 10 गुना से ज्यादा बढ़ाने का काम हमारे डेयरी सेक्टर ने किया है। 1970 में प्रति व्यक्ति दूध का खपत हमारे देश में 107 ग्राम सिर्फ था और आज 427 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध का खपत होता है और दुनिया का एवरेज कंजम्पशन 322 ग्राम है, उससे हम आगे बढ़ चुके हैं। मैं इसलिए बताता हूं कि जो चमत्कार 70 से 22 तक के इतने अल्पकाल खंड में हुए हैं, वो मेरे सामने जो बैठे हैं डेयरी चलाने वाले मेरे भाई बहन बैठे हैं, उन सभी को समर्पित है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आप लोगों के विकास के लिए, डेयरी सेक्टर के विकास के लिए कोई भी संभावना को व्यर्थ नहीं जाने देगी। सभी प्रकार के प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार करेगी, जिससे हम न केवल बड़े उत्पादक तो बन ही चुके हैं विश्व में सबसे बड़े निर्यातक बनकर उभरे। मित्रों, आज मैं श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड को भी जरूर याद करना चाहूंगा। अगर ऑपरेशन फ्लड शुरू ने किया होता तो दूध के मामले में भारत कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बनता, मगर अब जरूरत है श्वेत क्रांति 2 की और इस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। डेयरी क्षेत्र में सहकारिता का मॉडल, जैसा मैंने आगे बताया, आय, पोषण, पशुधन की सुनिश्चितता, मानव हित का सुरक्षा, रोजगारी और महिला एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, ये सारे डायमेंशन को छूते हुए पूरी व्यवस्था में से किसान और उपभोक्ता के बीच में से बिचौलियों को समाप्त कर सबसे ज्यादा मुनाफा किसान के पास पहुंचे,
इस प्रकार की एक कोऑपरेटिव व्यवस्था है। मित्रों, मैं आज आप सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि डेयरी क्षेत्र में कोऑपरेटिव का मॉडल जो अच्छा मॉडल बना है इसको और मजबूत बनाने का काम करेंगे। मैं आज अमूल की सफलता का भी जिक्र करना चाहता हूं। अमूल का 2021 का ग्रुप टर्नओवर 53,000 करोड़ है। 36 लाख किसान परिवार अमूल परिवार के साथ जुड़े हैं। 18,500 ग्रामीण डेरिया और 18 जिला कक्षा के दूध संघ मिलकर ये चमत्कार किया है और 87 मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोसेसिंग प्लांट भी बनाया है और आज दूध के उत्पादन में भारत का हिस्सा 21% हुआ है। इसमें अमूल मॉडल का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ मदय डेयरी, विजय, सांची, वेरका, वीटा, सुधा, पराग, नंदिनी, हमारी कई ब्रांड ने न केवल देश विश्व में नाम अर्जित करा है और लगभग 27 संस्थाएं ऐसी बन चुकी है जो विश्व के व्यापार को कंट्रीब्यूट करती हैं। हमें इसको आगे बढ़ाना है। डेयरी क्षेत्र का 360 डिग्री विकास हो, इसके लिए देश के सहकारिता मंत्री के नाते मैं आप लोगों को पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस डेयरी क्षेत्र का 360 डिग्री विकास करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। मित्रों, समय ये नहीं है कि दुनिया में सबसे बड़े दूध उत्पादक बनकर हम संतोष माने। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये 2 लाख नई प्राथमिक दूध उत्पादक समितियां बन जाती है तो आने वाले दिनों में दुनिया का 33% दूध का उत्पादन भारत में होने की संभावना है। हमें इसको एक्सप्लोर करना है और इसलिए हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और कोऑपरेटिव मूवमेंट ये साथ में रहकर काम करें। भूपेंद्र भाई ने बताया कि मास प्रोडक्शन को बरकरार रखते हुए प्रोडक्शन बाय मार्सिस का मंत्र भी हमने जमीन पर उतारना है और इसको हम आगे ले जाना चाहते हैं। आज यहां पर यहां आने से पहले मैं कुछ पेवेलियन में डेयरी के साधनों के उत्पादन करने वाले कंपनियों के स्टोर में गया। मुझे एक बात का बड़ा संतोष हुआ है कि मोदी जी जिस बात का आग्रह रखते हैं, हर क्षेत्र में भारत ने आत्मनिर्भर होना चाहिए, डेयरी के क्षेत्र में मिल्क प्रोसेसिंग के सभी साधनों के बारे में भी आज भारत की आत्मनिर्भरता मैं दावे के साथ कह सकता हूं।